हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शंस के बारे में, कि जिसके अंदर हम सीखेंगे कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से ये इंजेक्शंस को लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कि इंट्रोडक्शंस में दिया गया है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है कि जो वेन में लगता है, इंट्रा मस्कुलर मसल्स में लगाया जाता है, फिर सब क्यूटेनियस या फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो स्किन के हमारे लेयर्स होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है खासकर, और इंट्राकार्डियक जो है वो हमारे हार्ट के अंदर लगाया जाता है, फिर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, इंट्रा सेरेब्रल इंजेक्शंस होता है, इंट्रा आर्टेरियल होता है, इंट्रा सिस्टर्नल, पेरीड्यूरल, एपीड्यूरल और इंट्राथेगल। तो यह सभी प्रकार के इंजेक्शंस के बारे में हम सीखेंगे डिटेल में आज के लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उपचार के बारे में, अलग अलग प्रकार के दवाइयों के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स में आप सीख सकेंगे अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज़, उनके डोज क्या होते हैं, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारोक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करें। तो अब समझते हैं पेरेंटल्स के बारे में कि जो इंजेक्शन जो है वो पेरेंटल प्रिपरेशंस के कैटेगरी में आते हैं। तो पेरेंटल का मतलब आप सबसे पहले समझ लो, पेरेंटल का मतलब होता है कि आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब कि ये ऐसे मेडिकेशंस हम डिलीवर करते हैं पेशेंट्स को कि वो उसके इंटेस्टाइन या फिर उसके स्टमक या फिर उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है पूरा उसमें ये मेडिकेशन नहीं है। बिकॉज आप देखो कि जो ओरली आप जो मेडिकेशंस लेते हैं, टैबलेट वगैरह या फिर कोई सिरप लेते हैं, सस्पेंस लेते हैं, तो जब आप ओरली लेते हैं तो वो आपके इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, वहाँ से आगे इंटेस्टाइन और पूरा जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें वो मेडिकेशन ट्रैवल करती है। पर जो इंजेक्शंस होते हैं या फिर जो पेरेंटली जब मेडिकेशंस दी जाते हैं तो उसमें आप देखो कि वो बाईपास इफेक्ट थ्रू जाती है, कि पैरा मतलब कि आउटसाइड और एंटेरन मतलब कि इंटेस्टाइन। तो डायरेक्टली आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये मेडिकेशन जाती है, जैसे कि ये इंजेक्शंस जो है वो वेन में लगाया जाता है, मसल्स में लगाया जाता है, स्किन के अलग अलग लेयर्स में लगाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर भी स्पेशलाइजेशन के थ्रू ये मेडिकेशंस को जो है वो लगाई जाती है। तो पेरेंटल मतलब कि ऐसे मेडिकेशंस या फिर इस तरह से दी गई कोई मेडिकेशंस की वो डायरेक्टली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है और वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है हमारा या फिर एलिमेंट्री जो कैनल है उसको अवॉइड करके आपके बॉडी के अलग अलग सेल, टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम तक ये मेडिकेशंस पहुंचती है। तो पेरेंटल प्रिपरेशंस जो होती है वो स्टराइल होती है, वो सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं या फिर एक्वियस या फिर ऑयली व्हीकल्स में होते हैं। कि आप खास कर देखो कि इंजेक्शंस के साथ WFI दिया होता है कि जिसको कहा जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन। तो खासकर बहुत सारे इंजेक्शन जो है वो वाटर में बनाए जाते हैं, स्टराइल वाटर में, और कुछ ऑयली व्हीकल्स के अंदर भी ये इंजेक्शंस को बनाया जाता है। तो इंजेक्शन सबसे पहले जानना चाहिए कि क्यों दिए जाते हैं, बिकॉज टैबलेट के आपके पास ऑप्शन है, सीरप के ऑप्शन है, पर कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट जो है वो स्वेलो नहीं कर पाता मेडिकेशन को, उसको नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त वो ओरली मेडिकेशंस नहीं ले पाएगा, पेट में कोई इरिटेशन होता है मेडिकेशंस लेने से तो वो ना ले पाए, और पेशेंट समझो कि इस तरह से अनकॉन्शियस है, बेहोश है पेशेंट, तो उस वक्त वो टैबलेट या फिर किसी दूसरी तरीके से ओरली मेडिकेशन नहीं ले पाएगा। तो उस वक्त बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप उसको इंजेक्शन से मेडिकेशन दें, कि IV ड्रिप या फिर इंट्रामस्कुलर या फिर बहुत सारे जो अलग अलग इंजेक्शंस के टाइप है उसके थ्रू ले सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है इस तरह से इंजेक्शंस लेने से, तो जो अभी हमने देखा कि पेशेंट ऐसी बीमारी में है कि वो समझो कि टैबलेट नहीं खा पाता तो उस वक्त डायरेक्टली वो ले सकता है। फिर दूसरी कंडीशन कि मेडिकेशन जो है वो बहुत ही फास्ट एक्शन देती है, कि जब आप वेन में देते हैं तो वो मेडिकेशन जो टैबलेट के कंपेयर में उसकी इफ़ेक्ट भी आपको जो है वो फास्ट मिलती है, कि जो फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन की जो बात कही जाती है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन की जो बात कही जाती है, तो उसके लिए भी पेरेंटल जो है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। और साथ ही कि अगर कोई पेशेंट ओरली नहीं खा पाता मेडिकेशंस तो उस वक्त इंजेक्शंस का हमारा बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो प्राइमरी हम समझेंगे इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड इंट्राकार्डियक एंड इंट्रा
आर्टेरियल के बारे में, तो इंट्रामस्कुलर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मेडिकेशंस जो है वो डायरेक्टली हमारे मसल्स के अंदर पहुंचाई जाती है, मसल में ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, और उसके लिए जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल रखा जाता है, कि यहाँ पे समझो कि ये स्किन का लेयर है आपका और ये इंजेक्शन है, तो दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री एंगल जो है वो बनता है, उस तरह से लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस की हम बात करें तो वो 45 डिग्री एंगल जब बनता है तो इस एंगल से उसको इंजेक्ट किया जाता है, कि जो स्पेशली आपके जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है स्किन का, वहाँ पे मेडिकेशंस डिलीवर की जाती है। फिर इंट्राडर्मल जो जो इंजेक्शन होता है वो खासकर 10 से लेकर 15 डिग्री पे लगाया जाता है, कि जो आपके एपिडर्मिस या फिर डर्मिस का जो लेयर होता है वहाँ पे मेडिकेशंस को रिलीज करता है। और इंट्रावेनस इंजेक्शन जो खासकर 25 डिग्री से लगाया जाता है, कि जो आपके वेन के अंदर मेडिकेशंस को पहुँचाती है और वो काफ़ी फास्ट एक्शन देती है। तो उसके अलावा दूसरे भी कुछ टाइप है, इंट्रा सिस्टर्नल है, पेरीड्यूरल है, एपिड्यूरल, इंट्रा आर्टिक्यूलर, इंट्रा सेरेब्रल और इंट्राथेकल, वो भी हम आगे डिटेल में सीखते हैं। तो इंट्रावेनस आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो खासकर ये वेन को टारगेट करता है, और ये जो नीडल होती है वो डायरेक्टली आपके वेन के अंदर जाती है और वो 25 डिग्री एंगल के से उसको खासकर लगाया जाता है, कि जिससे डायरेक्टली जो आप आईवी सेट तैयार करते हो या फिर डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं तो वो पेशेंट के वेन के अंदर मेडिकेशंस जो है वो रिलीज होती है और फिर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स होकर पूरी बॉडी के अंदर वो दवाई जो है वो फैलती है। तो उसके लिए स्पेशली आईवी सेट प्रॉपर लगाया जाता है आईवी ड्रिप के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो पूरा आईवी सेट आता है, कि जिसके अंदर प्रॉपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैथेटर होता है, प्लास्टिक ट्यूब होती है और प्रॉपर ये असेंबली जो है वो सेटअप की जाती है, कि जिससे पेशेंट को आईवी ड्रिप जो है वो लगाई जाए। तो उसके अंदर आप देखो कि फिल्टर होता है, केस होता है, कैप होती है केस के लिए, कैथेटर होता है, फिर प्री लुब्रिकेटेड नीडल भी होती है। तो उस तरह से प्रॉपर जो है वो एक्सपर्टाइज के साथ ये वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है। और उसके लिए आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग साइज़ की जो नीडल्स यूज़ की जाती है इंजेक्शन की, लाइक आईवी के लिए आप देखो तो 22 या फिर 20 गेज की नीडल्स यूज़ की जाती है, आईएम के लिए ये गेज नंबर होते हैं 20 से लेकर 24 तक की, और सबक्यूटेनियस के लिए 20 से लेकर 26 जी तक के अलग अलग गेज नंबर वाली नीडल्स जो है वो यूज़ की जाती है। तो इंट्रामस्कुलर के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 90 डिग्री जैसे ऑलरेडी भी हमने सीखा था कि ये इंजेक्शन डायरेक्टली आपके मसल्स के अंदर जा रहा है, ये वाला जो लेयर है वो मसल्स का लेयर है और ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और मेडिकेशन जो है वो थोड़ा स्लोली स्लोली रिलीज की जाती है। खासकर एक्वियस इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि आपने देखा होगा कि जो डाइक्लोफेनेक का जो इंजेक्शन आता है जो पेन किलर के तौर पे है, वो भी सबसे ज़्यादा मसल्स में प्रेफर किया जाता है पेन को रोकने के लिए, जो पेन किलर के तौर पे लगाया जाता है, कि जिसके पॉपुलर मार्केटेड फॉर्मुलेशन से जैसे कि डायनापार वगैरह है, वोवेरान इंजेक्शन है। फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की, जिसको SC इंजेक्शन कहा जाता है, कि जो हमारे स्किन का एक फैटी लेयर होता है, यहाँ पे आप देखो ये नीडल यहाँ तक पहुँची है, तो ये हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू कही जाती है बॉडी की, और ये इंजेक्शन 45 डिग्री एंगल से लगाया जाता है, और यहाँ पे भी ड्रग जो है वो काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब होती है, बट ध्यान ये रखना है कि ये मसल्स तक ना पहुँचे, इसीलिए एंगल जो है वो 90 के बजाय 45 डिग्री कर दिया जाता है, कि मेडिकेशंस जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर को ही जो वहाँ पे मेडिकेशंस रिलीज हो के। और इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, कि जो इंसुलिन का जो इंजेक्शन खासकर लगाया जाता है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के तौर पे ही लगाया जाता है। तो प्रॉपर एक्सपर्टाइज की इसमें भी ज़रूरत होती है, कि जो पर्सन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लेता है तो उसको ट्रेन भी किया जाता है प्रॉपरली, और ख़ासकर इंसुलिन के जो इंजेक्शंस है वो इस ये रूट से लगाए जाते हैं, कि यहाँ पे आप देखो ये जो स्किन का लेयर और ये आपके सबक्यूटेनियस फैट, नीचे उसके नीचे मसल है, बट नीडल जो है वो सिर्फ ये एरिया में पहुँचती है, और थोड़ा सा आपको पिंच करना होता है आपका भाग, और वहाँ पे पेशेंट जो है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन खुद भी, कई बार जो इंसुलिन के जो इंजेक्शन रोज लेने पड़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो वो एक बार सीख जाते हैं और रेगुलर वो घर पे खुद सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ले सकते हैं।
इंट्राडर्मल इंजेक्शन की बात करें तो इंट्राडर्मल जो स्किन के जो लेयर है और जो डर्मिस एंड एपिडर्मिस का जो हम भाग कहते हैं वहाँ पे ये इंजेक्शन कि जो इंट्राडर्मल का जो पोर्शन कहा जाता है, डर्मल जो के जो लेयर्स होते हैं, कि ये वाला आप देखो कि एपिडर्मिस और डर्मिस की जहाँ पे वेन भी होती है, पर सबसे ऊपर की और ये वाली जो जगह है वहाँ पे, और ये इंजेक्शन खासकर कोई डायग्नोस्टिक फीचर्स के तौर पे कि लाइक टीबी का कोई टेस्ट करना है तो उस वक्त ये मेडिकेशंस को वहाँ पे इंजेक्ट करने के लिए और वहाँ पे स्मीयर डेवलप करने के लिए या फिर कोई सैंपल आपको कलेक्ट करना है तो उसके लिए ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। फिर इंट्राकार्डियक इंजेक्शन जो होता है वो स्पेशली हमारे हार्ट के अंदर लगाया जाता है, हार्ट के जो मसल, तो यहाँ पे आप देखो ये जो सिंबल किया गया है तो वो रीजन में प्रॉपरली एक्सपर्ट्स के द्वारा ये इंजेक्शन जो है वो आपके डायरेक्टली हार्ट के मसल्स में ही लगाया जाता है या फिर जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के वहाँ पे ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। स्पेशली इमरजेंसीज जो होती है, कार्डियक इमरजेंसी, उसमें ये मेडिकेशंस लगाए जाते हैं और नीडल जो है वो इंसर्ट की जाती है पैरा स्टर्नली जो लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट साइड का फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है कि यहाँ पे जो सिंबल से दिखाया गया है वहाँ पे जो है वो प्रॉपर ये इंजेक्शन एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाई जाती है। और इसका एक एग्जांपल है एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन कि जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट अटैक के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उस वक्त जो इमरजेंसी में ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को जो है वो लगाया जाता है एपिनेफ्रिन वगैरह का, तो वो एक इंट्राकार्डियक इंजेक्शन का ऑप्शन है कि डायरेक्टली आपके कार्डियक मसल्स के अंदर ये लगता है। और उसके लिए हम बात करें तो नीडल जो है वो 1.5 इंच की खास कर रहती है और उसका जो गेज नंबर होता है 18 या फिर 22 गेज नंबर की नीडल्स जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। फिर बात आती है इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, खास यहाँ पे अच्छे से आप रीड करो, आर्टेरियल मतलब कि जो हमारी आर्टरी होती है कि ब्लड वेसल्स हमारे दो तरीके की हैं, एक होती है वेन और दूसरा आर्टरी, तो जो वेन में इंजेक्शन होता लगाया जाता है उसको हम इंट्रावेनस कहते हैं, उसी तरह से जो आर्टरीज में इंजेक्शन लगाया जाता है उसको इंट्रा आर्टेरियल कहा जाता है। तो ये इंजेक्शन खासकर जो वासोडायलेटर ड्रग होते हैं, समझे कि वासोस्पाजम्स के जो प्रॉब्लम है उसके दौरान डायरेक्टली लगाए जाते हैं, या फिर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो होती है एम्बोलिज्म के इलाज में जो है वो लगाई जाती है। तो बहुत सारे अलग अलग जो कीमोथेरेपी के दौरान या फिर बहुत सारे अलग अलग ऐसे कुछ इमरजेंसी कंडीशन और बहुत रेयर कंडीशन में ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। अब बात आती है इंट्राथीकल इंजेक्शन की। थीकल का पोर्शन मतलब कि आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो रीजन होता है वहाँ पे ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के जो अलग अलग रीजन्स होते हैं वहाँ पे स्पेशली जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और वहाँ पे ये इंजेक्शन स्पेशली जो एनेस्थेसिया मेडिकेशन से या फिर कीमोथेरेपी के दौरान जो मेडिकेशंस लगानी होती है, पेन मैनेजमेंट के लिए जो मेडिकेशंस लगानी होती है, तो वो जो सब अराचिनोइड जो स्पेस होती है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे ये इंजेक्शंस जो वो पेशेंट को लगाया जाता है कि जो सेम स्पेस आपके ब्रेन के लेयर्स में भी होती है और सेम स्पेस आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, तो वहाँ पे ये इंट्राथीकल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। फिर बात आती है इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन की। तो ये इंजेक्शन जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड जो सर्वाइकल नर्व होती है वहाँ पे जो ये वो खासकर लगाया जाता है और जो सब अरेचिनोइड सिस्टर्न का जो पोर्शन कहा जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पे प्रॉपर एक्सपर्ट जो है वो इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शंस को लगाते हैं। फिर एपिड्यूरल और पेरिड्यूरल की हम बात करें तो एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है वो सर्विकल, थोरासिक या फिर जो लंबर एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ पे जो स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन होते हैं वो खासकर लगाए जाते हैं कि जो एपिड्यूरल स्पेस जो कही जाती है वहाँ पे ये लगाए जाते हैं कि जो स्पेशली टेम्पररी पेन रिलीफ के लिए एज वेल एज सूजन को कम करने के लिए जो आपके स्पाइन एरिया में हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में, तो उसको कम करने के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शंस होते हैं और वो भी प्रॉपर एक्सपर्ट्स के थ्रू ही लगाए जाते हैं। पेरिड्यूरल की हम बात करें तो जो स्पेस होती है ड्यूरा मैटर एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ जो वर्टिब्रा होता है वहाँ पे ये इंजेक्शन के, यहाँ पे आप देखो ये ड्यूरा मैटर का भाग है और एपिड्यूरल स्पेस जो होती है
विथ एनेस्थेसिया। तो खासकर एनेस्थेसिया इंजेक्शंस लगाने के लिए ये पैरेड्यूरल स्पेस जो वो यूज़ किया जाता है, अगर कोई पेशेंट की सर्जरी है, कोई ऑपरेशन करना है, उससे पहले जो एनेस्थेसिया मेडिकेशंस जो यूज़ करनी होती है, तो उसके लिए ये पैरेड्यूरल इंजेक्शन जो वो एक्सपर्ट्स लगाते हैं। फिर इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शन है कि जो आपके आर्टिकुलर जो एरिया होता है कि जो नी जॉइंट का जो एरिया होता है वहाँ पे आप जो इंजेक्शंस में देख सकते हैं कि जो स्पेशली जो हमारा नी जॉइंट होता है वहाँ पे जो जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। खासकर जो स्टेरॉइड्स दवाइयाँ होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उनके ये इंजेक्शन, या फिर लोकल एनास्थेटिक, हाइलुरोनिक एसिड, इवन जो बोटॉक्स इंजेक्शन आता है वो भी यहाँ पे जो है वो पेशेंट्स को लगाया जाता है। तो इसको नी इंजेक्शंस भी कहा जाता है। और बहुत सारे अलग अलग इंजेक्शन जैसे कि इन्फ्लेक्सिमेब जो इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, फिर बोटुलिनियम न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन जो होता है वो भी यहाँ पे लगाया जाता है, प्लेटलेट रिच जो प्लाज्मा होता है वो भी यहाँ पे लगाया जाता है, एंड हाई एल्यूरोनिक एसिड जैसे मेडिकेशंस जो है वो ये रूट से जो है वो लगाए जाते हैं कि जिसको हम कह सके कि आपके नी जॉइंट के अंदर कोई इन्फेक्शन है और वहाँ पे कोई बीमारी है तो उसके लिए ये इंजेक्शन जो है वो खासकर लगाया जाता है, जिसको इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम कहते हैं। फिर बात आती है इंट्रा सेरेब्रल इंजेक्शन। तो ब्रेन का जो सेरेब्रल का जो प्रोजेक्शन होता है और जो सेरेब्रल वर्टिकल्स होते हैं कि जहाँ पे खासकर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको बाईपास करने के लिए डायरेक्टली ये इंजेक्शंस जो है वो इंट्रा सेरेब्रल जो रीजन होता है वहाँ पे जो है वो ये मेडिकेशंस लगाए जाते हैं, कि जिसको ICV इंजेक्शंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड का ये रीजन, और ये जो कलर किया हुआ पोर्शन आप देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर, तो ये रीजन्स को हम खासकर कहते हैं इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर इंजेक्शंस के जो स्पेस होती है, या फिर सेरेब्रल वेंट्रिकुलर्स के जो स्पेस होती है वहाँ पे ये इंजेक्शन खासकर लगाए जाते हैं। फिर इंट्रा सेरेब्रल इंजेक्शंस के बारे में और डिटेल में हम समझे तो खासकर ये मेडिकेशंस जो है वो अलग अलग दवाइयाँ, थेरापिटिक RNAs, प्लाज्मिड DNA, वायरल वैक्टर्स के जो CNS डिसीज़ या फिर माइस मॉडल्स के अंदर भी ये मेडिकेशंस को जो है वो अलग अलग रिसर्च के तौर पे यूज़ की जाती है ये रूट से। तो ह्यूमंस के अंदर भी स्पेशली ICV इंजेक्शन उसको कहा जाता है, या फिर समटाइम ICVI कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इंट्रा सेरेब्रोवेंट्रिकुलर इंजेक्शन। आगे हम देखें तो इंट्रा सेरेब्रल के अंदर तो स्पेशली जो सेरेब्रल जो स्पेसिस होती है ह्यूमन के अंदर, जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर जो SMA का जो प्रॉब्लम होता है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी, या फिर न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स में हम अल्जाइमर डिसीज हम देखें, कीमोथेरापी के दौरान भी कुछ मेडिकेशंस को रिलीज करने के लिए ये इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही सीखे डिटेल में मेडिसिन कोर्स में अलग अलग दवाइयों के बारे में, उनके डोज के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो व्हाट्सएप करें 9016312020 पे मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।